मैं साध्वी मनेश्वरी संकट मोचन मंदिर में जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं 9 तारीख मंगलवार से, सभी भक्तजन 8 तारीख माता रानी का श्रृंगार कर माता रानी को नहलाना, उनका सेवा करना, फूल पत्तियों से माता रानी को सजाना, वस्त्र धारण करवाना और श्रृंगार करना 8 तारीख को करके 9 तारीख से नवरात्र जो प्रारंभ होंगे। इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आएगी। कहते हैं माँ जब घोड़े पर सवार होकर आती है तो सबके कार्य अति शीघ्र होने लगते हैं। जो 9 तारीख को नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं संकट मोचन मंदिर में, सुबह नवग्रह पूजन के बाद माँ की आरती होगी, जोर से माँ के जयकारे लगाए जाएंगे। शाम को दुर्गा चती का पाठ होगा और भक्त लोग सत्संग करेंगे। उसके बाद प्रवचन होगा, नित्य प्रति माँ के भजनों से माँ को प्रसन्न किया जाएगा और सब बच्चे 9 के 9 दिन माँ की अखंड ज्योत का दर्शन करेंगे। मंगलवार घट स्थापना सुबह 8 बजे होगी और रामनवमी वाले दिन सुबह 8 बजे हवन होगा, 11 बजे ध्वजारोहण होगा, 11 बजे से लेके हरी इच्छा तक झंडे वाले मंदिर माँ लाडलिया माँ झंडे वाली द्वारा भजन संध्या होगी, माँ की भेंटों द्वारा माँ को प्रसन्न किया जाएगा और कन्या पूजन होगा। तत्पश्चात हम सब मिलकर भंडारा ग्रहण करेंगे और माँ की कृपा को धारण करेंगे। अब की बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर सवार होकर जा रही हैं। माँ का घोड़े पर सवार होकर आना, काम का अति शीघ्र होना और हाथी पर बैठकर जाना, कहते हाथी गणेश जी का ही प्रतीक होता है, वो बुद्धि का दाता होता है। माँ हाथी पर बैठकर जा रही हैं, सबको बुद्धि प्रदान करके माँ सरस्वती जैसे सबके जिह्वा पर बैठती है, ऐसे माँ जब हाथी पर बैठती है तो सबको बुद्धि प्रदान करती है। हम सब माँ के श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। जय कराए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, जय कराए मेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।